हेलो बच्चों, हम आज पॉलिटिकल साइंस के असेसमेंट टेस्ट पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। पैसेज दिया गया है, कार्टून, मैप, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको किस तरीके से करना है ये मैं बताऊंगी आपको। इसमें आपका जो सेक्शन फर्स्ट है वो एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड था, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि अरब स्प्रिंग का आरंभ कब हुआ। अब जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, अरब स्प्रिंग वाला जो टॉपिक है, ये इस बार आपका एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अरब स्प्रिंग एक्चुअली क्या था कि एक विरोध और प्रदर्शन किया गया था मध्य पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों में। ये 18 दिसंबर 2010 को शुरू हुआ था और 2013 तक ये विरोध प्रदर्शन, रैली, हड़ताल जो थे चलते रहे थे। कारण था इसका वहाँ पर बढ़ती हुई बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, सत्तावादी शासन के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार, इन सब के कारण वहाँ के लोगों ने जो है आंदोलन किए, धरने दिए, प्रदर्शन किए। इसकी स्टार्टिंग 10 दिसंबर 2010 को हुई, जब मोहम्मद बौजीजी ने भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार से दुखी होकर आत्मदाह कर ली। तभी से ये आंदोलन वहाँ इन देशों में, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पश्चिम एशिया के देशों में भड़क गए, और इन्हें ही हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या आएगा कि कब शुरुआत हुई, 18 दिसंबर 2010 को। ठीक है, 18 दिसंबर 2010 से स्प्रिंग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स भी इस बार आपका सिलेबस में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिक्स में निम्न में से कौन कौन से देश, कौन सा देश शामिल नहीं है, जहां आपको ऑप्शन दिए गए हैं ब्राज़ील, भारत, क्यूबा और दक्षिण अफ्रीका। तो इसके बारे में मैं बता दूं, ब्रिक्स जो है एक क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन 2009 में हुआ था। ब्रिक्स का पहले नाम ब्रिक था। ब्रिक्स जो है ये कंट्रीज़ को बताता है जो जो इसमें शामिल है। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना और एस दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसे ब्रिक कहा जाता था। जब 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा है। तो आपको पता चल गया होगा आपकी ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है। ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, क्यूबा और दक्षिण अफ्रीका। तो कौन सा देश शामिल नहीं है इसमें, आपका क्यूबा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन, क्यूबा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें थर्ड क्वेश्चन, यूनिसेफ का पूर्ण रूप लिखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। पहले इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल इमरजेंसी जो था, फंड था, उस वक्त क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय जो बच्चे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पीड़ित जो बच्चे थे, उनकी हेल्प के लिए ये संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ जो था वो बनाया गया था। लेकिन बाद में ये कहा गया कि अब केवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पीड़ित बच्चे ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड में कहीं भी अगर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो उनको बचाने का काम, उनको राहत देने का काम जो है ये संघ करेगा। और इसका नाम हो गया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म आप क्या लिखोगे, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इमरजेंसी वर्ड इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका आता है आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन, डैश का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, वो क्या घटना घटी थी पहली जिसने ये जो है डिसाइड किया कि अब शीत युद्ध खत्म ही होने वाला है, यानी एक चिन्ह था, तो वो क्या था जिसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, वो क्या थी, बर्लिन की दीवार का गिरना। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। बर्लिन क्या थी, जर्मनी को दो भागों में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। और इसी तरह इसकी जो कैपिटल थी बर्लिन, उसके बीच में एक दीवार बना दी गई थी, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। ठीक है, तो 1989 में ये दीवार गिरा दी गई, और उसी को हम कहते हैं कि इस बर्लिन की दीवार के गिरने को ही शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना गया, कि अब शीत युद्ध का अंत शुरू हो गया है
और 25 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध खत्म हो गया जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल को क्या कहा गया। बच्चों जब 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया तो सोवियत संघ जो था वो बिखर गया था। अब सोवियत संघ ने अपनी साम्यवादी शासन व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी शासन व्यवस्था को अपनाना शुरू किया, तो उस संक्रमण काल के समय सोवियत संघ को किस तरीके से, सोवियत संघ जो कि अब टूट चुका था, यूएसएसआर खत्म हो चुका था और उसका उत्तराधिकारी बना था रूस, और 15 गणराज्य नए स्वतंत्र राज्यों के रूप में उभरे थे, ठीक है। तो अब इनको किस तरीके से साम्यवादी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था में बदला जाएगा, इसके लिए एक मॉडल दिया गया जिसे हम शॉक थेरेपी कहते हैं, और ये मॉडल दिया था आपका विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, ठीक है। तो सोवियत संघ को पूंजीवादी व्यवस्था में बदलाव करने के लिए जो मॉडल दिया गया उसे हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने मिलकर दिया था। अगला आपका क्वेश्चन आता है, CIS की स्थापना रूस, बेलारूस तथा डैश ने की। CIS क्या है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्र कुल का संगठन कहा जाता है। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उससे 15 नए गणराज्य बने। इन नए गणराज्यों ने स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल नाम से CIS यानी स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल CIS नाम से अपना एक अलग संगठन बनाया और इसकी शुरुआत की रूस, बेलारूस तथा यूक्रेन ने, ठीक है। तो CIS की स्थापना किसने करी, रूस, बेलारूस तथा यूक्रेन ने। अब आपका आता है खंड बी, जिसमें आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन है। बच्चों दो नंबर के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आपको एटलीस्ट दो पॉइंट्स तो देने ही होते हैं, दो या तीन, ठीक है, दो या तीन पॉइंट्स में आपको ये आंसर अपना देना होता है। कोशिश करो पॉलिटिकल साइंस में जितना हो सके उसको आप पॉइंट्स में आंसर दो, पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट्स में ही आंसर हमेशा देने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है आपका, ब्रिक्स के उद्देश्य बताइए। ब्रिक्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिक्स का गठन जो था 2009 में हुआ, एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें कि आपका ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं, और ये क्षेत्रीय विकास के लिए काम करते हैं। तो आपको इसके उद्देश्य बताने हैं। तो ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है, एक पारस्परिक विकास के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना। पारस्परिक विकास यानी आपस के विकास के लिए जो सदस्य देश यानी मेंबर्स हैं इसके, उनके बीच आपस में हम सहयोग को बढ़ाएंगे। दूसरा पारस्परिक आर्थिक लाभ का समान वितरण करना, यानी व्यापार से जो भी लाभ होगा उसका हम वितरण समान करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन समान होगा, असमानता नहीं की जाएगी, या एक ही हाथों में जो फायदा है वो संकेंद्रित नहीं होगा बल्कि उसको बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा। गरीबी उन्मूलन के लिए सभी सदस्य देशों में कार्यक्रम चलना। ये देश ऐसे हैं जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा, जैसे हम ब्राज़ील को देख लें तो बहुत ज़्यादा गरीबी यहाँ है, तो इन देशों ने डिसाइड किया कि हमारा एक लक्ष्य होगा कि अपने देशों में हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे और ये पारस्परिक सहयोग से चलेगा। फोर्थ विकासशील देशों के लिए एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाना। साथ ही इन्होंने कहा कि हमारा ये क्षेत्रीय संगठन केवल हम 5 देशों तक ही सीमित नहीं होगा बल्कि जितने भी विकासशील देश हैं उनके लिए एक स्पेशल व्यापार ब्लॉक बनाया जाएगा और हम आपस में व्यापार में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और उससे प्राप्त होने वाले लाभों का समान वितरण करेंगे, ठीक है। तो ब्रिक्स जो कि क्षेत्रीय संगठन है उसके उद्देश्य क्या है। बच्चे एक बात और ध्यान रखना, जो भी क्षेत्रीय संगठन होता है उसका हमेशा मेन उद्देश्य यही होता है कि हम पारस्परिक सहयोग के द्वारा लाभ उठाएं, पारस्परिक सहयोग करें, आर्थिक विकास करें, सांस्कृतिक विकास करें। तो ब्रिक्स का भी यही उद्देश्य है कि पारस्परिक विकास के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाया जाए, पारस्परिक आर्थिक लाभ का समान वितरण, गरीबी उन्मूलन के लिए सभी सदस्य देशों में कार्यक्रम चलाना और विकासशील देशों के लिए एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आशियान शैली से तुम क्या समझते हो। आशियान भी बच्चों क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है दक्षिण एशिया के देशों का, जिसमें अब जब इसकी आशियान शैली की बात की जाती है, आशियान वे की बात की जाती है, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो काम करने का तरीका होगा वो अनौपचारिक होगा, यानी किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं होगी, आपस में हम मिलजुल कर ऐसे ही काम करेंगे जैसे एक फैमिली के लोग करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम उनके काम करने का जो तरीका है, आशियान जो एक क्षेत्रीय संगठन है उसके जो 8 सदस्य देश हैं उनके जो काम करने के तरीका है उसी को हम आशियान शैली कहते हैं। अनौपचारिक, टकराव रहित, यानी अनौपचारिक यानी फॉर्मेलिटी नहीं होगी किसी प्रकार की,
टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान तथा सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को हम आशियान शैली कहते हैं। यहाँ इनके कहने का मीनिंग ये था कि राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान, यानी हम एक दूसरे की सार्वभौमिकता की इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, अर्थात अपने देश से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि दूसरे देश की अखंडता टूट जाए, जिससे कि दूसरे देश में कोई टूट पैदा हो या उसमें गृह युद्ध चल जाए। सहयोगपूर्ण कामकाज करेंगे, यानी एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करेंगे, एक दूसरे को जहाँ पे दूसरे की कमी है वहाँ एक दूसरे को सहयोग देंगे। टकराव रहित होगा, यानी अगर मान लो किसी मुद्दे पर कोई विवाद होता भी है तो उसे आपस में मिल बैठकर सुलझाएंगे, उसके लिए किसी प्रकार के युद्ध या लड़ाई का सहारा नहीं लिया जाएगा। अनौपचारिक काम की शैली होगी, यानी किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं होगी, हम एक फैमिली मेंबर की तरह काम करेंगे। तो आशियान का जो ये काम करने का तरीका था, अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान, सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली, इसी को हम आशियान शैली कहते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है और 1 लाइन में हम इसे नहीं लिख सकते, तो आपको इसी चीज़ को विस्तार रूप में लिखनी होगी, एलिबरेट करके लिखनी होगी 2 लाइन और, ठीक है। जो इन्होंने ये वर्ड्स दिए हैं, अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान, इन्हीं को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, समकालीन समय में भारत इजराइल संबंधों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भारत और इजराइल संबंध भी आपका इस बार नया टॉपिक जुड़ा है। इजराइल एक बहुत ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत ही आगे जा चुका देश है, एक विकसित देश है, ठीक है, और इसने इस क्षेत्र में हमारी भी मदद की है। तो इजराइल के साथ जो हमारे संबंध हैं वो काफ़ी दोस्ताना संबंध रहे हैं, काफ़ी क्षेत्रों में इजराइल हमारी मदद कर रहा है और हम भी इजराइल काफ़ी चीज़ों में इजराइल के साथ जो है अपने अच्छे सहयोग बना रहे हैं आर्थिक व्यापारिक क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या जाएगा, एक, भारत इजराइल संबंध कुछ वर्षों से नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, यानी हमारे जो दोस्ताना संबंध है वो हाई पहुंच रहे हैं, उनके जो प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हमारे देश की यात्रा करते हैं और हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उन देश की यात्रा करते हैं। 17 सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल को औपचारिक राजनीतिक मान्यता दी। होता क्या है कि जब भी एक नया देश बनता है तो उसको बाकी देशों से एक मान्यता की जरूरत होती है, तो जब इजराइल बना 17 सितंबर 1950 को भारत ने इसको अपनी एक औपचारिक राजनीतिक मान्यता दे दी कि मैं इसे एक नए देश के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, और वर्ष 1992 में पूर्ण राजनीतिक संबंधों के साथ दूतावास खोले गए। जब हमारे देश के साथ, दूसरे देश के साथ संबंध अच्छे होते हैं तो हम एक दूसरे के देश में अपने दूतावास खोलते हैं। दूतावास यानी वहाँ पर हमारे जो है प्रतिनिधि जाते हैं और वो उस देश में हमारे अधिकारों को या हमारी मांगों को रखते हैं, ठीक है। तो 1992 में हमारे पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित हुए, दूतावास खोले गए और तभी से दोनों देशों के संबंध में जो है काफ़ी प्रगति हो रही है। रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्ता और रक्षा साझेदार है। तीसरा क्या आता है कि रूस हमारा जो है सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र में सबसे बड़ा जो हमारा साथी है वो रूस है, जो हमें हथियारों का हमारा आपूर्ति करता है। तो रूस के बाद दूसरा जो नंबर आता है वो इजराइल का आता है। इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्ता, जो हमें हथियार देता है वो है आपूर्तिकर्ता और रक्षा साझेदार है। इजराइल का मानना है कि भारत के साथ मजबूत होते संबंध रक्षा उत्पादों के निर्यात से आगे बढ़कर वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार में वृद्धि की दिशा में बढ़ेंगे। दूसरा इजराइल का कहता है कि भारत के साथ केवल रक्षा संबंधों तक ही संबंध लिमिट नहीं रहेंगे, बल्कि उससे आगे वस्तु और सेवाओं के व्यापार में भी जो है क्षेत्र काफ़ी आशाजनक है, यानी हम केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि वस्तु और सेवाओं के व्यापार में भी हमारा जो दोस्ताना संबंध है वो आगे जाएगा। इजराइल ने भारत में खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कई संयंत्र भी स्थापित किए हैं। संयंत्र यानी मशीनरी यहाँ पर हमें दी है उन्होंने, प्लांट्स लगवाए हैं जिससे कि भारत में जो खारा पानी है उसको पीने योग्य बनाया जा सके। इजराइल ने भारत में कृषि, सिंचाई, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश किया। इसके अलावा इजराइल ने भारत में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी किया है। किस किस क्षेत्रों में? कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इरीगेशन के क्षेत्र में, अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा किसे कहते हैं? जो कि एनर्जी का ऐसा सोर्स जो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो इजराइल ने भारत में कृषि, सिंचाई और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। दोनों राष्ट्रों ने सांस्कृतिक,
सुरक्षा, रक्षा, आतंकवाद, अंतरिक्ष अनुसंधान, पानी, ऊर्जा और कृषि विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी सहयोग शुरू कर दिया है। यानी इजराइल के साथ हमारे संबंध केवल अब रक्षा क्षेत्र तक या रक्षा हथियारों की आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि हमने सांस्कृतिक क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर, अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस में जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस मामले में, पानी, ऊर्जा, कृषि जैसे क्षेत्रों में भी हम एक दूसरा का सहयोग कर रहे हैं। इसराइल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी अपनाई और जिसके अंतर्गत उसने अभिवादन की प्रक्रिया नमस्ते को अपनाया है, जो भारत और इसराइल के मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात है कि नमस्ते, जो भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक रूप माना जाता है, उसको बाहर के देशों ने नमस्ते को अपनाया है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक बन सकती हैं और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत और इजराइल के संबंध और मजबूत होंगे और हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक बनेंगी। ठीक है, तो ये आपका एक नया टॉपिक है और इसे आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है समकालीन समय में। अच्छा, ये हमारा हो चुका, इसी में एक ऑप्शन आपको दिया गया था कि या तो ये क्वेश्चन कीजिए या ये, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था और इसके प्रमुख घटनाक्रम का वर्णन कीजिए। क्यूबा मिसाइल संकट ये एक वो घटना थी जिसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता था। ठीक है, क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड है जो कि अमेरिका के पास है, लेकिन इस पर सोवियत संघ का कब्जा था, शीत युद्ध था। शीत युद्ध में क्या था कि अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और प्रयास करते थे कि किसी तरह एक जो है वो दूसरे से जीत जाए, आगे निकल जाए। तो शीतयुद्ध के टाइम की ही ये घटना है और क्यूबा मिसाइल संकट को जो है शीतयुद्ध की चरम स्थिति कहा जाता है। ये वो घटना थी जब दोनों देश बिल्कुल हथियारों के साथ आमने सामने आ गए थे और ये सभी ये उम्मीद लगा रहे थे कि अब तो दोनों देशों में युद्ध होकर रहेगा, तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा, लेकिन दोनों की समझदारी थी कि ये नहीं हुआ। तो इसी के बारे में आपको वर्णन करना है। क्यूबा मिसाइल संकट शीतयुद्ध का चरम बिंदु था जब दोनों महाशक्तियों के बीच तीसरा विश्व युद्ध होते होते बचा। क्यूबा मिसाइल संकट क्यूबा मिसाइल संकट सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइलों को तैनात करने का कारण बना। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा छोटा सा द्वीप है जो सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी जिससे सीधा अमेरिका खतरे की सीमा में आ गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय कैनेडी, उनको इसके बारे में 3 हफ्ते बाद पता चला और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो इसकी जवाबी कार्यवाही करेंगे। अमेरिका ने सोवियत संघ को कहा, यूएसएसआर को कहा कि या तो तुम अपनी मिसाइलें यहाँ से हटा लो, नहीं तो हम भी अपनी मिसाइलें यहाँ पर दाग देंगे, खड़ी कर देंगे। तो उस समय दोनों ने अप्रोध की नीति का पालन किया। अप्रोध की नीति यानी रोक और संतुलन की नीति, समझदारी से काम लेते हुए सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलों को हटा लिया और तीसरा विश्व युद्ध होते होते बचा। इसी को हम कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 से 5 तक के पॉइंट्स लिखने होते हैं। बच्चों, जो 4 और 6 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ये कोशिश करनी होती है कि मेन हेडिंग्स दें पहले और फिर उसकी व्याख्या करें। ठीक है, मेन हेडिंग्स के साथ व्याख्या करें, नहीं तो आंसर को कम से कम पॉइंट्स में तो आपको लिखना ही होता है। 4 और 6 नंबर के क्वेश्चंस में पैराग्राफ्स में आपको आंसर नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स में लिखोगे आप आंसर, मेन पॉइंट्स, मेन हेडिंग और फिर उसको एलिब्रेट करोगे। तो आपका क्वेश्चन अगला आता है कि वैश्वीकरण के विश्व पर पड़े आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक विश्व का एकीकरण हो जाना, यानी जब विश्व के सभी देश एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए हैं। ये एक तरह का फ्लो है, प्रवाह है, वस्तु, पूंजी, सेवा, व्यापार का एक प्रवाह है, फ्लो है। जब देश जो है एक दूसरे के निकट आ गए हैं और एक दूसरे के देशों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, जब अब एक देश में बिकने वाली चीज केवल उसी देश की खासियत नहीं रही है बल्कि अब वो विश्व के किसी भी कोने में देखी जा सकती है। ठीक है, तो वैश्वीकरण यानी जब विश्व के जो देश हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, इसी को हम कहते हैं विश्व का ग्राम बन जाना। यानी जब एक देश विश्व के एक कोने में घटने वाली घटना से बाकी के देश तुरंत अवगत हो जाते हैं। संचार
और सूचना की क्रांति ने इस वैश्वीकरण को संभव बनाया है। तो वैश्वीकरण क्या है? एक तरह का फ्लो है, वस्तु का, पूंजी का, सेवा का, व्यक्तियों का, क्या है? फ्लो है, व्यापारी ने एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके आर्थिक प्रभाव बताइए। वैश्वीकरण का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव विश्व पर पड़ा है वो आर्थिक क्षेत्र में ही पड़ा है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे यहाँ पूछा गया है कि वैश्वीकरण के विश्व पर पड़े आर्थिक प्रभाव, यहाँ ना तो ये कहा गया कि उसके सकारात्मक प्रभाव बताइए और ना ही ये कहा गया कि उसके नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो जब इस तरीके से पूछा जाए तो आपको उसके दोनों पॉइंट्स देने होंगे, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। ठीक है, तो पहले हम इसके सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों में कमी आई है और व्यापार में वृद्धि हुई है। व्यापारिक प्रतिबंध अब हट गए हैं। व्यापारिक प्रतिबंध यानी पहले क्या होता था कि एक देश जब दूसरे देश में अपना सामान लेकर जाता था तो उस पर बहुत भारी टैक्स लगाया जाता था, या कई कई फील्ड्स ऐसी होती थी कि उसे उस देश में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करने दिया जाता था। ठीक है, जैसे हमारे देश में भी 1992 से पहले संरक्षणवाद की नीति अपनाई हुई थी, यानी हमने अपने उद्योगों को मजबूत करने के लिए बाहर के उद्योगों को इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त नहीं दी थी। ठीक है, लेकिन वैश्वीकरण क्या कहता है कि व्यापारिक प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, दूसरे देश को इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त दे दी जाती है। हालांकि एक देश डिसाइड करता है कि वो दूसरे देश को किन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने देगा। ठीक है, लेकिन इससे काफ़ी हद तक व्यापारिक प्रतिबंधों में कमी आई है और व्यापार में वृद्धि हुई है। देशों की राष्ट्रीय आय बढ़ी है, जाहिर सी बात है, जब व्यापार बढ़ेगा, कंपनीज बढ़ेंगी तो देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, रोजगार में वृद्धि हुई है, एम्प्लॉयमेंट मिला है। जितनी ज़्यादा कंपनीज फैक्ट्रीज होगी उतने ही ज़्यादा लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो इससे जो खासकर जो विकासशील देश हैं उनकी जो बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत हद तक सोल्व हुई है। तो इससे क्या है, रोजगार में वृद्धि हुई है, देशों की राष्ट्रीय आय बढ़ी है, देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है। अब क्या होता है कि एक देश में जो चीज़ें नहीं बन पाती वो आसानी से दूसरे देश से ले लेता है। तो हमारी एक दूसरे के प्रति पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है, और इस पारस्परिक निर्भरता ने ही अगर कहा जाए तो वैश्वीकरण को संभव बनाया है। दुनिया के लोग, व्यवसाय, सरकार आदि के मध्य जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, हमारा एक दूसरे से जुड़ाव काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। अब कोई भी देश मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा जो अपने आप को आत्मनिर्भर कह सके, वो दूसरे देशों पर निर्भर है। वैश्वीकरण के कारण लोगों घर बैठे ही अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। ये शॉपिंग सुना होगा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मिंत्रा वगैरह आपने देखा होगा। आप उसमें बस अपना सर्च करते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, तो घर बैठे आपको आसानी से एक तो सामान मिल जाता है, दूसरा क्या है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हर कंपनी क्या चाहेगी कि भाई मेरा सामान दूसरे से अच्छा हो। तो इस बढ़ते हुए कंपटीशन का प्रभाव क्या पड़ा है कि जो उपभोक्ता है उसको, कंज्यूमर है उसको, अच्छी क्वालिटी का सामान घर बैठे आसानी से मिल जाता है। वैश्वीकरण ने साझा बाजार को बढ़ावा दिया। साझा बाजार यानी अब एक देश के बाजार में केवल उसके देश की वस्तु नहीं मिलेगी, बल्कि विश्व में के किसी भी देश में मिलने वाली वस्तु उसके बाजार में मिल जाती है। ठीक है, तो वैश्वीकरण ने साझा बाजार को बढ़ावा दिया, जिससे देश के बाजारों में हर देश की चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब आप लोग आराम से मेड इन अमेरिका, मेड इन कोरिया, मेड इन ब्रिटेन की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जबकि पहले ये संभव नहीं था। तो ये किसने संभव बनाया? वैश्वीकरण ने। ठीक है, तो वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है कि राष्ट्रीय आय बढ़ी है, रोजगार में वृद्धि हुई है, लोगों की इनकम पर असर पड़ा है, पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है, जुड़ाव बढ़ा है हम लोगों का आपस में, हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें घर बैठे आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, तो सकारात्मक, कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ वैश्वीकरण का एक नेगेटिव पहलू भी है, नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे एक घरेलू उद्योगों का पतन हुआ। अब क्योंकि घरेलू उद्योगों का पतन हुआ, क्योंकि जो देश में बिकने वाला सामान होता है और बाहर से आया हुआ सामान होता है, उन दोनों में अंतर होता है। जैसे अगर हम अपने ही देश को देखें, एक तरफ खादी है और दूसरी तरफ बाहर की कंपनियों से आया फाइन कपड़ा है, तो उसको जो घरेलू उद्योग है उस पर असर पड़ेगा, उनका पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ गया तो उसमें हाथ से बने हुए सामान वाले जो सामान थे, लोग थे, वो कहीं नहीं टिक पाए मशीन से बने हुए सामान के आगे, जिससे कि हमारे जो घरेलू उद्योग थे वो धीरे धीरे ड्रॉबैक उनका होता चला गया, वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ दूसरे देशों में जाकर संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करती हैं। जो MNCs हैं, कंपनियां हैं, जब दूसरे देशों में जाती हैं तो वहाँ वो ये नहीं देखती कि भाई संसाधन है जो काफ़ी
अरबों सालों में बनता है वो उसको किफ़ायत से खर्च करें, सोच समझ कर खर्च करें, वाइजली खर्च करें, नहीं वो उन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, क्योंकि नहीं होता है कि हमारे देश का तो है नहीं। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में जाकर संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करती हैं, जिससे कि जिसका रिजल्ट क्या है कि वो संसाधन जल्दी से हमारे ख़त्म हो रहे हैं और बनने में उन्हें काफ़ी अरबों समय लगेगा। तीसरा, इसने नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। उपनिवेशवाद क्या होता था, जब एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लेता है उसे हम कहते हैं उपनिवेशवाद, जो कि डायरेक्ट होता है, दिखता है। जैसे कि ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल तक राज किया था, वो क्या था, उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद है कि डायरेक्ट जो है एक देश दूसरे देश पर कब्जा नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली वो छोटे देश की इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो नव उपनिवेशवाद को वैश्वीकरण से बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। जो देश एक दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस देश को, होस्ट देश को, उस गेस्ट देश की नीतियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अपनी नीतियां, होस्ट देश अपनी नीतियां बनाते समय, अपनी आर्थिक नीतियां बनाते समय गेस्ट देश की भले को भी ध्यान में रखेगा, कभी ये मेरे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इससे इसके हित कहीं जो है उसके हितों को नुकसान ना हो और वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना ना छोड़ दे। ठीक है, तो इसने इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया है, क्योंकि अब एक देश दूसरे देश के हितों को भी ध्यान में रखकर अपनी नीतियाँ बनाता है। वस्तुओं, सेवा और लोगों की आवाजाही के साथ ही बीमारियों का फैलाव भी हुआ। अब कोरोना वायरस कहाँ से आया, सीधे सीधे जब बाहर की कंट्रीज से लोग इंडिया में आने शुरू हुए तो भारत में भी कोरोना वायरस फैल गया। तो वस्तु, सेवा, पूंजी के प्रवाह के साथ साथ ये बीमारियों का भी फैलाव इसकी वजह से हुआ है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बड़ी है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बड़ी, क्योंकि इसने रोजगार तो दिया, वैश्वीकरण से रोजगार तो मिला, लेकिन किसको मिला, जो स्किल्ड पर्सन थे, जो कुशल कारीगर थे उनको रोजगार मिला, लेकिन जो अकुशल कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि जहाँ पहले वो हाथ से काम करके गुजारा चला दे देते थे, जब मशीनें आ गई तो अब केवल उन्हीं लोगों को रोजगार मिला जिन्हें वो मशीनें चलानी आती थी, जिन्हें वो चलानी नहीं आती थी उन्हें रोजगार से निकाल दिया गया, तो वो बेरोजगार हो गए। तो इस तरह से अमीर और गरीब के बीच की खाई भी वैश्वीकरण ने बढ़ाई है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से प्रभाव आपको कोई पूछा जाए, आर्थिक प्रभाव हो, राजनीतिक प्रभाव हो, सांस्कृतिक प्रभाव हो, तो आपको दोनों ही इसके पहलू देने हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूरोपीय संघ निरंतर एक प्रभावी संगठन बनता जा रहा है, विश्लेषण कीजिए। यूरोपीय संघ भी एक हमारा क्या है, क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें 28 देश शामिल हैं, ये यूरोप का एक संगठन है। ठीक है, ये कहा जाता है कि यूरोपीय संघ एक प्रभावी संगठन धीरे धीरे बनता जा रहा है, उसने एक राजनीतिक रूप ले लिया है, राजनीतिक संगठन का रूप ले लिया है, एक अधिराष्ट्रीय संगठन बन चुका है। तो हमें इसका विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है कि कैसे ये एक प्रभावी संगठन बन रहा है। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका 4 और 6 नंबर में किसी में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका पॉइंट्स क्या होंगे आपके, यूरोपीय संघ एक प्रभावी संगठन बनता जा रहा है, इसके निम्न कारण है। एक, यूरोपीय संघ एक पुराना संगठन है और इसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अन्य देशों को प्रभावित करने की क्षमता है। सेकंड, यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन है। एक अधिराष्ट्रीय संगठन यानी एक ऐसा संगठन है जो कि एक राष्ट्र के रूप में भी काम करता है। अधिराष्ट्रीय संगठन है, इसका अपना राष्ट्रीय गान है, अपना राष्ट्रीय झंडा है, अपनी मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। यूरोपीय संघ सैन्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो, जो अमेरिका को आज कड़ी टक्कर दे रही है, विश्व व्यापार में इसकी भागीदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। फिफ्थ, WTO में यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। WTO क्या है, जो पूरे विश्व के लिए व्यापार की नीतियां तैयार करता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी भागीदारी दूसरे स्थान पर है। सिक्स, यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेवन, संयुक्त राष्ट्र संघ में यूरोपीय संघ के सदस्य फ्रांस एक स्थायी सदस्य है और अन्य सदस्य इसके अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो जिसकी वजह से जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इसके मेंबर्स हैं तो जाहिर सी बात है उसके माध्यम से, इस अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से यह पूरे विश्व को प्रभावित करता है। यूरोपीय संघ के सदस्य फ्रांस और अन्य देशों के बीच 550 से ज़्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा है। तो
तो इससे भी इसकी जो शक्ति है उसका हमें पता चलता है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको 4, 6 या 3 नंबर में कहीं ना सॉरी 4 नंबर में कहीं ना कहीं 2 नंबर में आएगा, आ जाता है, जरूर आ जाता है। ठीक, अब आता है आपका सेक्शन डी जिसमें आपको एक कार्टून दिया गया है, आपको इस कार्टून को ध्यान से देखना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जब भी आपको कोई कार्टून आए तो उसको बहुत अच्छे से कहते हैं ना स्कैन करके पूरी तरीके से अपनी आंखों में उतार लो उसको, हर चीज़ को एक एक चीज़ देखो क्या लिखा है, कहाँ क्या दिया गया है, तो आप आसानी से उस कार्टून के आंसर दे सकते हो। एक एक चीज़ देखो कार्टून की। अब यहाँ जो हम कार्टून देख रहे हैं यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एक तो दीवार खड़ी हुई है, दूसरा एक ड्रैगन टाइप आदमी है, एक छोटा आदमी खड़ा हुआ है, एक हमें क्या दिख रहा है कि ये ग्लोब है, नीचे पूरी दुनिया को इसमें दिखा रखा है और उसके ऊपर ये दीवार और ड्रैगन जा रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपके दिमाग में आ गई, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। आपको बताने दिया गया कार्टून किस देश से संबंधित है। जब आप ये चीज़ें देख रहे हो तो आपको सीधा सीधा दिमाग में आ गया भाई ये दीवार है और ड्रैगन है, और ड्रैगन किसकी पहचान है, चीन की। तो क्या क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कार्टून किस देश से संबंधित है, चीन से। कार्टून में दिए गए कौन से 2 प्रतीक हैं जो इस देश को दिखाते हैं, एक तो ड्रैगन आ गया आपका और दूसरा क्या आ गया, चीन की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2040 तक चीन अमेरिका को मात दे चुका होगा, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। ऐसा माना जाता है कि 2040, अभी इस वक्त कौन है महाशक्ति, अमेरिका, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 2040 आते आते चीन जो है वो अमेरिका को मात दे चुका होगा, अमेरिका को पछाड़ चुका होगा। तो ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो चीन जो है वो अमेरिका जैसी महाशक्ति को पीछे छोड़ देगा, वो हमें बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर या 6 नंबर में अक्सर आ जाता है, यहाँ आपका ये 3 नंबर में क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 4, 6 में भी आ जाता है, इसलिए मैं इसके हिसाब से आपको ये आंसर बता रही हूँ, जिससे कि अगर ये 4 या 6 नंबर में है तो भी आप इसे आराम से कर सकें। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ जो मैं आंसर बता रही हूँ वो इसी हिसाब से बता रही हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन 4 या 6 नंबर में भी आए तो आप उसे आसानी से कर सकें, लेकिन जब आप पेपर करोगे तो आप उसको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही करोगी। तो पहला कारण क्या है, ऐसा माना जाता है कि सन 2040 तक चीन विश्व की एक महान आर्थिक शक्ति बन चुका होगा और इस क्षेत्र में अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका होगा, इसके निम्न कारण है। एक, सन 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई और इसके बाद से इसकी आर्थिक प्रगति के रास्ते खुल गए। खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी अपनाई डेंग शियाओपिंग ने। ठीक है, डेंग शियाओपिंग ने, जो आपको छोटा आदमी दिखाई दे रहा है चीन का, ये डेंग शियाओपिंग है और जो पूरे वर्ल्ड में इसको भेजने की तैयारी कर रहा है चीन को। ठीक है, तो डेंग शियाओपिंग ने ओपन डोर की नीति को जो है अपनाया। पहले क्या, चीन क्या है, एक साम्यवादी कंट्री है, और जब ये एक साम्यवादी कंट्री है तो पहले इसमें साम्यवाद की ही सारी विशेषताएं पाई जाती थी, यानी ये बिल्कुल सेंसरशिप लगी हुई थी हर चीज़ पर, बाहर की देश से कोई चीज़ अंदर नहीं आएगी और जो बाहर जाएगी मतलब सिर्फ जिस चीज़ को चाइना की गवर्नमेंट इजाज़त देगी वही आएगी। संरक्षणवाद की नीति उन्होंने अपनाई हुई थी, निवेश बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो साम्यवादी विशेषताएँ थी, लेकिन 1978 में चाइना के डेंग शियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और इसने अपने घर के अपने देश के दरवाजे जो थे इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिए और दूसरे देशों में भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए साझेदारी करनी शुरू कर दी। तो इसके बाद से इसकी आर्थिक प्रगति जो है वो बढ़ती चली गई। अगर हम देखें अपने देश में देखें तो जब खासकर टॉय मार्केट में जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कौन से टॉयज़ दिखाई देते हैं, किस देश के बने हुए, चाइना में के बने हुए। तो ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है कि चाइना व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुका है, निवेश के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुका है। 1982 में कृषि का और 1998 में उद्योगों का इसने निजीकरण कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। यानी अब ये आर्थिक फायदे के लिए अब इसने इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और जब किसी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो उसका लक्ष्य क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना। सन 2001 में चीन WTO का मेंबर बन गया, जिससे क्या हुआ कि अब विदेशी निवेश को अपने देश में यह आमंत्रित करता है और साथ ही विश्व के बाजार के दरवाजे भी चीन के लिए खुल चुके हैं, जिससे चीन ने व्यापार में बहुत प्रगति कर ली है। चीन विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये विश्व की सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन चुका है। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी सबसे ज़्यादा ये चीन जो है वो अपना सामान बाहर भेजता है और दूसरे नंबर पर आता है जो ये आयात करता है। यह UN सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और इसके माध्यम से
ये विश्व की हर घटना को प्रभावित करने की इसमें ताकत है। छठा, चीन एक मान्यता प्राप्त परमाणु महाशक्ति है, इसके पास काफ़ी परमाणु हथियार हैं। सेवंथ, 21वीं शताब्दी में चीन को एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, यानी एक ऐसी पावर बन चुकी है जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में दूसरे देशों की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। तो ये सारे तरीके वो हैं जिससे कि ये हमें पता चलता है कि चीन जो है वो एक महाशक्ति धीरे धीरे बनता जा रहा है और 2040 में अमेरिका को भी मात दे देगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन, ये आपका एक पैसेज है, आपको एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को पढ़ के आपको आंसर्स देने हैं। ये आपका जरूर आता है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। उस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ोगे, ये पैसेज क्या है हम पढ़ लेते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते, ना ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुट निरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए हैं, ठीक है। ये पैसेज हमने पढ़ लिया। अब इसके बेस पर ही यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आपको आंसर देने हैं। पहला आता है कि गुट निरपेक्षता की नीति से तुम क्या समझते हो। तो आपको पता हो गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, यानी गुटों से अलग रहने की नीति को हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। शीत युद्ध के समय में ही गुट निरपेक्षता का गठन हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ था, जिसमें भारत, मिश्र, घाना, इंडोनेशिया, मुख्य यूक्रेन जो थे वो मुख्य देश रहे, और इन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति का खुद भी पालन किया और दूसरे देश जो विकासशील देश थे उनको पालन करने के लिए भी कहा। गुट निरपेक्षता की नीति थी कि जो गुट है मुख्य तौर पर उसमें दो मुख्य गुट थे, सैनिक गुट थे, अमेरिका का और USSR का। तो ये कहा कि ये गुटों से अलग रहने की नीति है, इन गुटों से अलग रहा जाएगा। तो गुटों से अलग रहने की नीति को हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं और विश्व में घटने वाली प्रत्येक घटना का उसके गुण दोष के आधार पर इसमें निर्णय लिया जाता है, किसी के पक्ष या विपक्ष के आधार पर नहीं। अगला क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है, स्पष्ट करो। देखो बच्चों, तटस्थता का अर्थ होता है कि युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना, ठीक है। कि जो तटस्थता की नीति अपनाते हैं जो देश, वो विश्व में होने वाले किसी भी युद्ध में ना तो भाग लेते हैं और ना ही उसके गुण दोष पक्ष विपक्ष के बारे में अपने विचार रखते हैं। यानी उनकी बला से विश्व में जो युद्ध घट रहा है उसमें चाहे कुछ भी हो, कोई भी मर रहा हो या जी रहा हो, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। तटस्थता की नीति क्या कहती है कि युद्ध में वो शामिल ही ना तो शामिल होते ना ही उसके बारे में अपने निर्णय देते हैं। लेकिन गुट निरपेक्षता गुटों से अलग रहने की नीति जरूर है, लेकिन ये विश्व में घटने वाली घटनाओं से अलग रहने की नीति नहीं है। तो हम गुट निरपेक्षता को तटस्थता की नीति नहीं कह सकते। तटस्थता का पालन करने वाले देश युद्ध में शामिल नहीं होते, ना ही युद्ध के सही गलत के बारे में अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन गुट निरपेक्ष देश ऐसा नहीं करते। गुट निरपेक्ष देश युद्ध में ऐसा कई बार हुआ है जब उन्हें डायरेक्ट युद्ध में भी शामिल होना पड़ा और कई बार उन्हें युद्ध में शामिल ना होते हुए भी उसके पक्ष या विपक्ष के बारे में, उसके गुण दोष के बारे में निर्णय देना पड़ा। हम अपने देश भारत का ही एग्जाम्पल लें तो भारत डायरेक्ट युद्ध में भी शामिल हो चुका, जैसे कि चीन के साथ हुआ, हमारा पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट हुआ युद्ध हुआ, ठीक है। और इसके अलावा जो विश्व में युद्ध चल रहे होते हैं उसके बारे में भारत ने अपनी स्वतंत्र निर्णय दिया है, स्वतंत्र राय दी है और इन युद्धों को कम कराने में भी योगदान दिया है, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष देश जो है वो तटस्थता का धर्म नहीं निभाते। वो बेशक शांति बनाए रखना चाहते हैं, युद्धों में शामिल नहीं होना चाहते, अपनी तरफ से युद्ध नहीं करते, लेकिन अगर कोई इन पर युद्ध कर दे तो उसका उन्हें जवाब भी देना होता है, जैसे भारत को देना पड़ा, है ना। और इसके साथ ही ये होने वाले युद्धों को रोकने का प्रयास भी करते हैं, उसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। तो गुट निरपेक्ष देश तटस्थ नहीं होते। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, आपको इसको बताना है। वर्तमान संदर्भ में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता का वर्णन करो। प्रासंगिकता का मीनिंग होता है उपयोगिता, ठीक है, कि इसकी क्या उपयोगिता है। आज गुट निरपेक्षता का जब गठन हुआ था तो शीत युद्ध के समय हुआ था, 1991 में शीत युद्ध खत्म हो चुका है,
लेकिन फिर भी आज गुटनिरपेक्षता जो है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम जिसे हम कहते हैं, वो बना हुआ है क्यों, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या क्यों रेलिवेंट है वो आज भी, ठीक है, उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो आपको इसका जवाब देना है। ये क्वेश्चन भी आपका 4 या 6 नंबर में भी आता है, अधिकतर आता ही है। तो गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आज भी गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता यानी उपयोगिता यानी रेलिवेंसी बनी हुई है। इसके निम्न कारण है। एक, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसका गठन क्यों हुआ था, गुटनिरपेक्षता के विश्व में शांति बनाए रखना चाहते थे, युद्धों को ख़त्म करना चाहते थे, जो दो गुट थे उनके बीच मध्यस्थता बनाए रखना चाहते थे। आज भी गुटनिरपेक्षता विश्व में शांति बनाए रखना चाहता है। सेकंड, नियो की मांग सभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखने के लिए। नियो क्या है, एक विकासशील देशों के द्वारा की जाने वाली एक मांग है, नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, जिसमें ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जितना योग जितनी भागीदारी विकसित देश कर रहे हैं, उतना ही मौका विकासशील देशों को भी दिया जाए। जिस तरह से हमने अपने बाजार विकसित देशों के लिए खोल दिए, वैसे ही विकसित देश भी बिना किसी भेदभाव के हमारे बाजार अपने लिए खोल दें, ठीक है। तो नियो जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, और नियो की यानी एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग सभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुटनिरपेक्ष रखते हैं। तो उसके लिए भी इसका बना रहना बहुत जरूरी है, ताकि विकासशील देशों की जो डिमांड्स है उन्हें आगे रख सकें। तीसरा, नव उपनिवेशवाद का विरोध के लिए, इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। ये हर मन से ये विरोध करते हैं कि वैश्वीकरण के जो नेगेटिव पहलू हैं उन्हें ख़त्म किया जाए और सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। विकासशील देशों के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये लोग आसानी से नव उपनिवेशवाद का शिकार हो जाते हैं। तो ये अपने हर मन से गुटनिरपेक्षता यही कहता है कि विकासशील देशों के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखा जाए। फिर तीसरे, विश्व के देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भागीदार बनाए जाने की मांग रखी जाए। IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक जैसे देश हैं, UN जैसे संस्थाएं हैं, सॉरी देशनी संस्थाएं हैं, जहां पर विकसित देशों का बोलबाला है। तो गुटनिरपेक्ष देश डिमांड करते हैं कि इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इन विकासशील देशों को, तीसरे विश्व के देशों को भी बराबर की भागीदारी दी जाए। सिक्स, आतंकवाद, पर्यावरण सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। इनका मानना है कि ऐसे मुद्दे हैं जो किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। तो ऐसे मुद्दों पर सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें अभी हैं बाकी, जो गुटनिरपेक्ष देशों के लिए आज भी एक चैलेंज है और उसके लिए आज भी डिमांड कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष शुरुआत हुआ था शीत युद्ध से अलग रहने के लिए, लेकिन धीरे धीरे अगर कहा जाए तो ये विकासशील देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा मंच बन चुका है। और ये मंच जो है विकासशील देशों का मंच है, और ये हर जगह से विकासशील देशों के हित की मांग करता है। तो विकासशील देशों की मांगों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखने के लिए जरूरी है कि गुटनिरपेक्ष देश बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो मैप से रिलेटेड है। यहाँ आपको एक मैप दिया गया है इंडिया का, और जिसमें कि आपको ABCDE करके अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। बच्चों, इसमें कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, और आप एक बात ध्यान में रखना, मैप को कैसे करना होता है, मैप पर नहीं भरना होता, बल्कि टेबल दी होती है और उस टेबल में ही आपको उसे फिल करना होता है, ठीक है। तो पहला आपका आता है कि वह राज्य जो अनुच्छेद 370 से संबंधित रहा। तो अनुच्छेद 370 से कौन सा राज्य संबंधित था हमारा, जम्मू कश्मीर। अब आप यहाँ क्या देखोगे, जम्मू कश्मीर कौन से अल्फ़ाबेट को डिनोट कर रहा है, सी को। सेकंड आपका आता है वह राज्य जहाँ सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की मांग की गई, तो वो कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश था, जिसे कौन बता रहा है, बी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो इसके हिसाब से देखो कि कौन सा अल्फ़ाबेट को आपके कौन से आंसर के साथ डिनोट हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको टेबल बतानी देनी है, ठीक है। आपका इसमें जैसे मैंने बताया, पहला क्वेश्चन था वह राज्य जो अनुच्छेद 370 से संबंधित रहा, तो वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर, और जिसे सी डोनेट कर रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है वह राज्य जहाँ सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ, आंध्र प्रदेश, तो वो किसे डोनेट, वो कहाँ पर आता है, कौन सा लेटर आता है वो आपके मैप में जो दिखाया गया है, बी। तो आप यहाँ बी लिखोगे। इस तरीके से टेबल बनानी है। प्रयोग की गई जानकारी क्रम संख्या यानी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिखते हैं, संबंधित अक्षर यानी कौन सा अल्फाबेट डिनोट कर रहा है, और राज्य का नाम। तीसरा आपका राज्य पूछा गया है कि वह राज्य जिसके विभाजन से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो वो कौन सा राज्य था, पश्चिमी बंगाल, तो ये कौन सा बता रहा है, डी। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन आता है
वह राज्य जिसके विभाग सॉरी वह राज्य जिससे अलग होकर हरियाणा राज्य बना, तो हरियाणा किससे अलग होकर बना था, पंजाब से अलग होकर बना था, और ये किसे डिनोट कर रहा है, पंजाब ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह राज्य जहां सबसे पहले वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए वह कौन सा राज्य था, मणिपुर। तो ये आपका यहाँ पर ई जो है वो मणिपुर को बताता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने देख के अपने इस तरीके से टेबल बनाओगे, 1 2 3 4 5 संबंधित अक्षर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है और फिर उस राज्य का नाम। इस तरह से टेबल बनाने पर ही आपको नंबर मिलते हैं, मैप में भरने पर वो आपका पूरा पूरा वहाँ पे नंबर 5 नंबर कट जाएंगे। तो मैप फिल नहीं करना होता, मैप नहीं लगाना होता, टेबल बनानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके क्वेश्चन दिए गए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग भी उसके आंसर्स जान लो क्योंकि ये आपको भी MCQ में या मैप में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है वह कि किस राज्य को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, तो वो कौन सा था, तमिलनाडु। तेलंगाना राज्य का निर्माण किस राज्य से हुआ, आंध्र प्रदेश आंसर है। थर्ड, गांधीवादी नेता श्री रामलू पट्टी किस राज्य से संबंधित थे, आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, जहाँ पे सबसे पहले भाषा के आधार पर जो है डिमांड उठी थी, भाषा के आधार पर राज्य गठन की डिमांड। चौथा क्वेश्चन है आपका, किस राजवाड़े ने भारत या पाकिस्तान के साथ मिलने से इंकार कर दिया और उसने ये कहा कि मैं अपना अलग देश बनाऊंगा, वो कौन था, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात किस मूल राज्य का अंग था, तो उसका आंसर आएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का आकलन कीजिए। यहाँ परिणाम पूछे गए हैं, बच्चे कारण और परिणाम में काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ परिणाम पूछे गए हैं, यानी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब सोवियत संघ खत्म हो गया, तो उसने विश्व राजनीति को किस तरीके से प्रभावित किया, यानी विश्व राजनीति पर उसके क्या रिजल्ट्स रहे, ये आपको यहाँ आंसर देना है। 6 नंबर के क्वेश्चन में आपकी 6 मेन हेडिंग्स होंगी और फिर आप उसको इलोबरेट करोगे। जैसे पहले आती है शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध मेनली 2 गुटों के बीच का ही एक युद्ध था, अमेरिका और सोवियत संघ। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध भी खत्म हो गया। तो सबसे बड़ा जो परिणाम निकला सोवियत संघ के विघटन का, वो क्या निकला कि शीत युद्ध समाप्त हो गया। अगला, एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ। जब शीत युद्ध था उस वक्त विश्व में केवल 2 ही महाशक्तियां थी, अमेरिका और USSR, और इसे हम द्विध्रुवीय विश्व कहते थे। जब एक महाशक्ति खत्म हो गई तो जाहिर सी बात है अब केवल एक ही महाशक्ति विश्व में बच गई और हमने विश्व का एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया है, और जिसका सूत्रधार कौन था, अमेरिका। थर्ड, हथियारों की होड़ की समाप्ति। शीत युद्ध के समय बच्चों क्या होता था, दोनों ही महाशक्तियों के बीच हथियारों की होड़ लगी थी। अगर एक महाशक्ति एक हथियार बनाती थी तो दूसरी उससे 10 गुना हथियार बनाकर तैयार कर देती थी, तो जिससे क्या हुआ, विश्व के सारे संसाधन सिर्फ हथियारों को पूरा करने में ही, हथियारों की डिमांड को पूरा करने में ही लगे हुए थे, और हर जगह एक डर का माहौल था, एक खौफ का माहौल था, तनाव का माहौल था कि कब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए। तो जब USSR खत्म हो गया तो उसके साथ साथ हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और तीसरे विश्व युद्ध का डर भी खत्म हो गया। नए देशों का उदय, जो USSR था वो 15 गणराज्यों से बना हुआ था, तो जब USSR का विघटन हो गया, वो खत्म हो गया, तो उससे 15 नए राज्य अस्तित्व में आए, 15 नए स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में, देश अस्तित्व में आए, और हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं उन्होंने अपना CIS नाम से एक अलग जो संगठन था वो बनाया। 5th, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा, अब इकलौती महाशक्ति बच गई अमेरिका, और उसने अपने आप को पूरे विश्व का दादा समझना शुरू कर दिया। अब अमेरिका ने हर देश की नीति को, पॉलिटिक्स को, चाहे आर्थिक को, चाहे राजनीति को, उसे अपने तरीके से प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका जो था एक तरीके से क्या बन गया, सर्वे सर्वा। 6th, सैनिक गठबंधन समाप्त हो गए, वारसा, सीटो, सेंटो, नाटो जैसे जो सैनिक संगठन थे ये शीत युद्ध के समय उभरे थे। शीत युद्ध के समय इनका गठन हुआ था एक दूसरे के खिलाफ, यानी पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट के, पश्चिमी गुट जो अमेरिका से रिलेटेड था और पूर्वी गुट जो USSR से रिलेटेड था। तो इन गुटों ने अपने अपने सैनिक गठबंधन बनाए ताकि इसमें आने वाले सदस्यों को ये अपने पक्ष में कर सके। तो जब USSR का विघटन हो गया तो ये सैनिक गठबंधन भी खत्म हो गए, वारसा, सीटो, सेंटो। लेकिन याद रखना है नाटो आज भी बना हुआ है। नाटो नामक जो सैनिक संगठन जो शीत युद्ध के समय बना था, जो पश्चिमी गुट से संबंधित था, वो आज भी बना हुआ है, ठीक है। तो इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 6 मेन पॉइंट्स देने होंगे।
लेकिन साथ में खाली मेन पॉइंट्स देके आप नहीं छोड़ सकते। अगर खाली मेन पॉइंट्स दोगे तो आपको इसमें केवल 1.5 या 2 नंबर मिलेंगे, जो कि एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। तो आपको इसको एक्सप्लेन भी करना होगा, दो हर मेन पॉइंट को आप 2 या 3 लाइनों में एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको इसमें पूरे 6 नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका आता है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेश की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। दक्षिण एशिया की बेहतरीन में दक्षेश ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? दक्षेश क्या है बच्चों? सार्क, ठीक है। दक्षेश क्या है? सार्क है, और सार्क दक्षिण एशिया का एक बहुत बड़ा संगठन है। आपको इसका ये आंसर देना है कि कैसे दक्षिण एशिया जो है अपने जो सदस्य राष्ट्र है उनके आर्थिक सहयोग, 8 देश हैं ये, आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में इसकी क्या सीमा रही है, क्या भूमिका रही है, उसके बारे में बताना है और सुझाव देने हैं कि दक्षिण कैसे एक बड़ा संगठन बन सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ये, दक्षिण एशियाई देशों में आपस में सहयोग के लिए 1985 में दक्षेश यानी सार्क की स्थापना हुई। आपसी व्यापार और सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करता है। आपसी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर हुए, जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ। साफ्टा व्यापार से रिलेटेड था कि हम जो देश हैं आपस में मुक्त व्यापार क्षेत्र को अपनाएंगे, मुक्त व्यापार को अपनाएंगे, यानी एक दूसरे के सामान बिना किसी टैक्स के बंधन के एक दूसरे के देश में आ जा सकेगा, ठीक है। तो ये साफ्टा 2004 में इस पर हस्ताक्षर और 2006 से ये लागू हो गया। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में आ जाता है। सार्क के मंच से शांति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता और एकजुटता दिखाई जाती है, परंतु दक्षिण के हम कहें तो इसकी कुछ सीमा रही है कि दक्षिण के सदस्य देशों के बीच मतभेद होने की वजह से इस मंच को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। क्या सीमा है इसकी? कुछ देश कहते हैं कि भारत जो है साफ्टा के आधार को आधार बनाकर दक्षिण एशिया के देशों के घरेलू बाजार पर अपना कब्जा जमा लेना चाहता है। दक्षिण के जो भी 8 सदस्य देश हैं उसमें सबसे बड़ा जो देश है वो भारत है। तो बाकी के देश ये कहते हैं कि भारत जो है अपनी दादागिरी दिखाता है दक्षिण एशिया में, और बाकी के जो देश है उनके घरेलू बाजार पर अपना कब्जा जमा लेना चाहता है। ये किसकी जो है सीमा रही है जिसकी वजह से ज़्यादा जो है सफल नहीं हो पा रहा और एक दूसरे में शक की भावना रहती है। सेकंड है कि दक्षिण देशों के बीच मतभेद रहते हैं, कहीं जल विवाद को लेकर तो कहीं सीमा विवाद को लेकर। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद को लेकर विवाद है, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच विवाद हैं रहे हैं, ठीक है। तो इन देशों के बीच आपस में काफ़ी विवाद रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच भी इस समय हम देख सकते हैं कि छुटपुट घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। तो इन 8 देशों के बीच कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद रहा है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। क्या सुझाव है, कैसे हम इसे सफल बना सकते हैं? एक, आपसी विवादों को बातचीत के द्वारा हल करना चाहिए। दूसरा, आर्थिक विकास को मुख्य मुद्दा मानते हुए परस्पर सहयोग करना चाहिए और हमें अपने जो विवाद उन्हें छोड़ देना चाहिए। दक्षिण के सभी सदस्य देशों को विश्वास बहाली की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। एक दूसरे पर जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। दक्षिण के मंच पर छोटे या बड़े देश का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई तू बड़ा देश है तो अपनी दादागिरी दिखा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी एक समान है। देशों को आपसी मतभेदों को भुलाकर सार्क को एक मजबूत मंच के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम सार्क को एक मजबूत संगठन बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकोगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आने के चांसेस हैं, मतलब आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको तैयारी करना। बेस्ट ऑफ लक।